दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो अपने अजीबोगरीब बॉडी की वजह से चर्चा में रहे हैं। इनमें से किसी ने स्टेरॉयड का इंजेक्शन लेकर अपने बाइसेप्स बढ़ाए तो किसी ने दूसरे तरीके से अपनी बॉडी को बनाया है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया भर के 5 ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बॉडी किसी सामान्य बॉडी बिल्डर की तुलना में काफी अलग और हटके है। इन्होंने एक्सट्रीम एक्सरसाइज के जरिए अपनी बॉडी को बनाया है। जानिए कौन है ये लोग। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। नंबर 5, रोमारियो डॉस सेंटोस अल्विस ब्राजील। ब्राजील के कल्डोस नोवास में रहने वाले एक बच्चे के पिता रोमारियो डॉस सेंटोस अल्विस सुरक्षा गार्ड हैं। लेकिन मॉडल और बॉडी बिल्डर बनने की चाह में उन्होंने अपने शरीर में तेल और शराब के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। महज 3 साल के समय में ही इन्होंने 25 इंच चौड़े बाइसेप्स बना डाले जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। रोमारियो की बॉडी बनाने का शौक 22 साल की उम्र में लगा था। रोमारियो का कहना है कि उन्होंने अपने शरीर के जिस हिस्से को मोटा बनाना चाहा, वहीं पर लेथल कॉकटेल और ऑयल के इंजेक्शन लगाए जिससे उस हिस्से की मसल्स फूल कर बाहर आ गई। बॉडी बनाने के शौकीन रोमारियो के इस काम में उनकी पत्नी ने भी मदद की है। नंबर 4, रॉनी कॉलमैन अमेरिका। अमेरिकी बॉडी बिल्डर रॉनी कॉलमैन अपने समय के सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर हुआ करते थे। ये 8 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। अकाउंट में डिग्री लेने वाले कॉलमैन रिटायरमेंट से पहले कई रिकॉर्ड बना चुके हैं और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ गए। बताया जाता है कि इन्होंने अपनी बॉडी को बनाने के लिए कई अलग अलग स्टेरॉयड भी लिए थे। नंबर 3, अर्लिंडो डिसूजा ब्राजील। ब्राजील के रहने वाले अर्लिंडो डिसूजा भी जेफ डेब की तरह हैं। हालांकि इनकी हथेलियां बड़ी नहीं है बल्कि बाइसेप्स और कंधे औरों से बिल्कुल हटके और ज्यादा हैं। वहीं सामान्य लोगों की तुलना में इनकी बाहें भी ज्यादा बड़ी है। 43 साल के अर्लिंडो के बाइसेप्स 29 इंच के हैं। बताया जाता है कि इसे बनाने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी में ऑयल इंजेक्ट किया था। हालांकि बॉडी बनाने के लिए इस तरह की तकनीक अपनाने वाले अर्लिंडो इकलौते ऐसे शख्स नहीं है। ब्राजील में कई लोग ऑयल इंजेक्ट करके अपनी बॉडी बना चुके हैं। नंबर 2, मुस्तफा इस्माइल मिस्र। मिस्र के मुस्तफा इस्माइल ने अपनी बाजुओं के दम पर सबसे मोटी बाजुओं का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 28 वर्षीय इस्माइल की इन शक्तिशाली बाजुओं का आकार 31 इंच है। 31 इंच की ये भुजाएं 10 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इस्माइल पर अपनी बाजुओं को बड़ा आकार देने का जुनून इस कदर हावी है कि वह परिवार समेत मिस्र छोड़कर अमेरिका में आकर बस गए ताकि अपनी बाजुओं के आकार को और बढ़ा सकें। इस्माइल अपनी बाजुओं को मेंटेन रखने के अपनी डाइट में रोज 3 पाउंड चिकन, 1 पाउंड मछली, 4 कप बादाम, 3 लीटर प्रोटीन शेक और 2 गैलन पानी लेते हैं। इसके अलावा वे अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। नंबर 1, सजाद गरीबी ईरान। ईरान के 24 वर्षीय पावर लिफ्टर सजाद गरीबी आजकल चर्चा में छाए हुए हैं। कोई उन्हें पर्शियन हरक्यूलिस तो कुछ लोग ईरान का हल्क कह रहे हैं। अपने भारी भरकम शरीर के कारण उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में एक माना जा रहा है। बता दें कि सजाद का वजन 175 किलोग्राम है और शरीर इतना विशालकाय है कि उनकी गर्दन ही गायब हो गई है। इनके लिए वेट लिफ्टिंग ही सब कुछ है। हालांकि सजाद इस बॉडी की वजह से पर्सनल लाइफ में कई शौक पूरे नहीं कर पाते। उन्हें कार में बैठने में काफी परेशानी होती है। अगर किसी तरह बैठ भी गए तो निकलना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि इन चारों में से सबसे आकर्षक बॉडी बिल्डर कौन सा लगा।